कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल जिंदगी आजकल में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ मेरी वीडियोस देखने के लिए। तो आज हम बनाएंगे बैगन की बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार सब्जी। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं अब हम अपने किचन गार्डन में और करते हैं सब्जी की तैयारी। मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने किचन गार्डन में और बैगन लेने के लिए। आज मैं बनाऊँगी बैगन और आलू की सब्जी। तो मेरे को थोड़ा सा ना आज डिफरेंट तरीके से बैगन और आलू की सब्जी बनानी है। तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आज सब्जी को कैसे बनाया था। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को तोड़ना शुरू कर दिया है और बड़े अच्छे अच्छे ताज़ा ताज़ा बैंगन हैं, ऑर्गेनिक बैंगन हैं बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे को दिखाई दे रहे थे बड़े बड़े वो मैंने तोड़ लिए और जो ज़्यादा छोटे छोटे बैगन थे वो मैंने छोड़ दिए थे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने बैगनों को अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है और मैं अब इनको काटूंगी। तो काटते टाइम मुझे इनको अच्छे से देखना होगा कि अंदर से गड़बड़ ना हो। तो मैं इसमें दो कट लगाऊंगी और ऐसे मुझे देख लेने हैं कि बिल्कुल बैगन साफ है या नहीं है। तो ये बैगन अंदर से देखो बिल्कुल साफ है, देख सकते हैं आप भी। और जो है डंठल जो है ये इसकी हेड, इसको मैं नहीं छुटाऊंगी। ऐसे ही सारे बैगनों को मैं कट कर लूंगी अच्छे से देख के और सारे बैगन मैं ऐसे ही काट लूंगी। तो साफ बैगन है। तो यहां पर मैंने सारे बैगनों को कट लगा लिया है और अब हम इनको बनाने की तैयारी करते हैं। और अब मैं छीलूंगी आलू। इस तरह मैंने इनको काट लिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर कुकर को मैंने चढ़ा दिया है और मैंने आपको दिखाए थे कि बैगन भी कटकर हो गए हैं तैयार और आलूओं को भी मैंने अच्छे से काट कर धो लिया है। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इनको यहाँ कट कर लिया है। और आप वीडियो में एंड तक बने रहें तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे तैयार हुई है। तो मैंने कुकर को रख दिया है और मैं इसमें 2 स्पून ऑयल चढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 2 स्पून ऑयल मैंने इसमें चढ़ा दिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी जीरा। तो जीरा हमारा थोड़ा चटकना शुरू हो गया है तो मैं वेट करूंगी जो अच्छे से ब्राउन हो जाए जीरा। और ब्राउन होने के बाद सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बैगन और अच्छे से चलाऊंगी। तो मैं ले लेती हूँ जरा चलाने के लिए। यहाँ पर अब हमारा जीरा भी होने ही वाला है और सब्जी में मैं ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करूँगी। तो जीरा हमारा हो गया है और मैं इसमें अब डालती हूँ बैगन। तो बैगन मैंने कुछ काट दिए थे जो बड़े थे और जो छोटे थे उन्हें ऐसे ही साबुत रहने दिया। सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, आप एक बार बनाकर देखना। तो मुझे अब इसमें क्या क्या ऐड करना है आप देख लीजिए। अब मैं अच्छे से चलाऊंगी, थोड़ा सा करके अच्छे से भून जाए। और भूनने के बाद अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, अब मुझे इसमें ऐड करना है हल्दी। मुझे हल्दी ऐड करनी है इसमें, आप देख सकते हैं। हल्दी और हल्दी के साथ मुझे इसमें ऐड करना है नमक, नमक स्वाद अनुसार डालें आप। और नमक और हल्दी डालने के बाद मैं इसमें 2 पिंच डालूंगी हींग। हींग ऐड कर दिया मैंने इसमें। और इसको अब हम कर देते हैं बंद आलू डालने के बाद। हम शुरू करते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई को रख लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 2 स्पून ऑयल। आप चाहें तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। यहाँ पर डाल देते हैं ऑयल। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर डालेंगे जीरा। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज और अदरक मिर्च को कट कर लिया था। और यहाँ पर जो प्याज मैंने काटी है वो ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है,
आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जीरा भी ब्राउन हो गया है मेरा। अब मैं डाल देती हूँ प्याज और हरी मिर्च, और वेट करके लिया ब्राउन होने का। अब मैं इनको धीरे धीरे चलाती रहूँगी। यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च भुनकर हो गई है तैयार, और अब इसमें ऐड करूँगी तेज़पत्ता, और ये कुछ पत्तियाँ करूँगी मैं इसमें कड़ी पत्ते की। और यहाँ पर लिया है मैंने चाट मसाला, ये मिर्ची पाउडर है, ये मैंने लिया है गरम मसाला। ऑलरेडी मैंने पहले से ही इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया था, तो इन मसालों को मैं अब इसमें ही मिक्स कर दूँगी और चलाऊँगी अच्छे से। फिर धीरे धीरे सिम कर दिया है मैंने गैस को, और धीरे धीरे चलाऊँगी, और अब ये बनकर हो गए हैं तैयार। और मैं इसमें अब मिक्स करूँगी जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। मैंने इसको धीरे धीरे चलाया, और यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। यहाँ पर रेसिपी बनकर हो गई है तैयार, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसको बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। ऐसी रेसिपी बनकर हो गई है तैयार ही है। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।